हम तो यहाँ पर बैठे हैं ना, हम यहाँ पर आज बैठे हैं। आप 3 तारीख को किसका वेट कर रहे हो भाई? किसी का ऑर्डर आना है क्या? अडानी बानी से पहले आप बात करोगे? मन बनाओ और एक मन से भरम निकाल दो कि ये आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक करूण रद्द नहीं होगी। मोदी क्या बोलता है? मोदी के ऊपर भरोसा है? मोदी तो कहता था कि हम काला धन निकाल के 15-15 लाख रुपए दे देंगे, आपके किसकी जेब में आ गया? मोदी क्या बोलता है? मोदी तो बोलता मैं करोड़ों लोगों को पैदा करूंगा। क्या बोलता है मोदी? मोदी मैं देश को चमका दूंगा। डीजी भी डाउन हो गया, इतना आर्थिक मंदवाड़ा हो गया। मोदी तो बहुत कुछ बोलता है, अपने खेत को देख रहे हैं। वो हमारे मन की बात, या हमारे मन की बात, या सड़कों पर हो रही हमारे मन की बात, वो मन की बात भाई की क्यों ले रहा? अपने मन की क्यों कह रहा? और जो 2024 में पता लग जाएगा मन की बात तो क्या है मेरे। किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाई क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, सुझाव के लिए तैयार है, विमर्श के लिए तैयार है। यहाँ पे सड़क पे आके ठिठुरती हुई ठंड में कौन छोड़ना, कौन आना चाहता है? किसान इस वक्त आया है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके पास और कोई चारा नहीं है। किसान और सरकार के बीच मंगलवार को चल रही बैठक बेनतीजा रही। मतलब ये है कि किसान संगठन प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं है और कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर डटे हैं। अब सवाल ये है कि इतने इंतजार के बाद जब किसान और सरकार एक टेबल आमने सामने बैठे तो भी बात क्यों नहीं बन पाई? ऐसे में कोरोना महामारी के बीच प्रदर्शन जारी रहेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को इस बात का शायद अंदाजा था कि मीडिया की नजरों के बीच होने वाली इस बैठक में किसान अपनी मांग पर डटे रह सकते हैं। न ही राजनाथ सिंह शामिल हुए और न ही गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए। बीते 27 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के सामने अमित शाह ने सशर्त बैठक का प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से बुराड़ी के निरंकारी मैदान में शिफ्ट होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि बुराड़ी में निर्धारित मैदान में शिफ्ट होने के अगले ही दिन सरकार बातचीत करेगी। गृह सचिव ने किसान नेताओं को पत्र भी भेजकर ये ऑफर दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने रविवार को बुराड़ी ग्राउंड में एकत्र होने की सरकार की अपील ठुकरा दी थी। हमारे सामने यह प्रपोजल रखी कि हम एक कमेटी बना देने हैं और हमने वो जो प्रपोजल थी उसको रिजेक्ट कर दिया है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आएंगी और साथ में बैठेंगी, बातचीत करेंगी और जब तक इस कानूनों का कोई मामला हल नहीं हो जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को किसी भी तरह वो वापस नहीं लिया जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने 3 तारीख को दोबारा मीटिंग रखी है। तो हमने उन्होंने कहा आपकी प्रपोजल क्या है कि हमने कहा लास्ट मीटिंग में हम तीनों जो लॉज हैं उन पर बहुत डिटेल्ड जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं कि वो कैसे किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, लोक विरोधी है, हम आपको बता चुके हैं, आप बताएं। हमने ये भी कहा कि मोदी सरकार ड्यूल पॉलिसी ले रही है। एक तरफ तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये कानून बहुत बढ़िया है, दूसरी तरफ आप बातचीत कर रहे हो। अगर आप कानूनों को वापस नहीं लेना चाहते फिर बातचीत क्यों कर रहे हो? इसलिए आप मन बनाओ और एक मन से भरम निकाल दो कि ये आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक कानून रद्द नहीं होगा। गृह मंत्री के प्रस्ताव को इस कदर खारिज होता देख सरकार में मुद्दे को सुलझाने की कवायद तेज हो गई। हैदराबाद से शाह के आने के तुरंत बाद रविवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई। बैठक में अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। फिर अगले दिन यह खबर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी आई कि किसान से बैठक के लिए सरकार तैयार है और मंगलवार को यह बैठक होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंगलवार दिन में 11:30 से 2:45 तक बैठक चली। कई राउंड की बैठक में किसानों के साथ बातचीत के लिए कई संभावनाओं पर चर्चा हुई। तय हुआ कि एक साथ सरकार के सभी बड़े मंत्रियों को किसानों की बैठक में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं होगा। मतलब है भाई, हम तो यहाँ पर बैठे हैं ना, हम यहाँ पर आज बैठे हैं। आप 3 तारीख को किसका वेट कर रहे हो भाई? किसी का ऑर्डर आना है क्या? अडानी बानी से पहले आप बात करोगे? आपकी इतनी जोर भाई, यहाँ पे हक मांगना, इस गवर्नमेंट में हक मांगना, समझ लो आपने सरकार के साथ इतना बड़ा पंगा ले लिया अपना हक मांग के कि आपको वो आतंकवादी भी बना सकती है, आपको बखवादी भी बना सकती है, आपको गुंडा भी बना सकती है। लेकिन असल में गुंडा आपको अखबारें बताएंगी जिन वाटर कैनन से किन्होंने मारा, अथरू गैस के गोले किसने छोड़े, वो गुंडे थे। खट्टर सरकार गुंडों की थी जिन्होंने वहाँ पर इतना बड़ा कांड किया है। आपके सरकार में गुंडे बैठे हैं, आपके 40% MP मंत्री जो हैं उन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो गुंडे हैं। ये लोग मेहनत हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत करके देश को आत्मनिर्भर बनाया है। केंद्र सरकार अभी राजनाथ सिंह और अमित शाह से किसानों की बातचीत और बैठक का दांव बचाकर रखना चाहती थी। ऐसे में 3 मंत्री ही भेजे गए। अब किसान संगठनों की प्रतिक्रिया के बाद केंद्र सरकार को रणनीति बनाने और दूसरे बड़े नेताओं को आगे करने में
अपेक्षाकृत आसानी रहेगी। दूसरी तरफ इस मीटिंग के बाद कुछ रिएक्शन किसानों के अलग अलग संगठनों की तरफ से भी आएंगे, जिससे भी सरकार को मन भापने में आसानी होगी। यहाँ पे सड़क पे आके ठिठुरती हुई ठंड में कौन आना चाहता है। किसान इस वक्त आया है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसे कानून लेके आई है जो किसान को जीने नहीं देते, और उस किसान की एक नहीं सुनी है केंद्र सरकार ने। किसान बार बार यही कह रहा था कि मेरी बस आवाज तो सुनो, कि हम आपको वोट देते हैं, हम आपको संसद में भेजते हैं, एक बार हमारी आवाज तो सुनो। और क्योंकि संसद में बैठे हुए लोगों ने, केंद्र की सरकार ने आवाज नहीं सुनी है, इसलिए आज इस किसान को सड़क पे आना। मंगलवार की बातचीत के बाद जो बातें कही गईं, उससे तो साफ है कि सरकार फिलहाल अपनी तरफ से कुछ देने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच ये जरूर हुआ कि बुराड़ी में आने की इजाजत देकर किसानों के जत्थे दो जगह बट गए हैं, कुछ बॉर्डर पर, कुछ बुराड़ी ग्राउंड में। इस तरह किससे बात होनी है, किससे नहीं, ये सवाल पैदा होने से भी किसानों में कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। योगेंद्र यादव की टीम ने बताया कि किसान चाहते थे कि वो भी बैठक में हिस्सा लें, लेकिन सरकार ने इससे इनकार किया। ये खबर भी आई कि किसान सभी संगठनों के साथ बातचीत करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने 30 से कुछ ज्यादा को नेता भेजा। मंगलवार की बैठक के बाद कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि किसानों का एक छोटा ग्रुप बातचीत करे, लेकिन किसान चाहते हैं कि सबके साथ बातचीत हो, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे, सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है, सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। और इसलिए 3 दिसंबर को परसों फिर से चौथे चरण की वार्ता होगी और ये वार्ता अच्छी रही। कुल मिलाकर अभी स्थिति ये है कि इस पर भी चर्चा हो रही है कि बातचीत किसके साथ हो, कहाँ हो। कोरोना महामारी के संक्रमण के डर और दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के बीच डटे किसानों का प्रदर्शन कैसे जल्दी खत्म हो, इसकी शायद ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी चिंता होती तो सीधे मुद्दों पर बात होती। बात मानी जा सकती है तो मानी जाती, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है तो निकाला जाता। अब देखिए 3 को सार्थक बातचीत होती है या नहीं।